इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिनका मार्गदर्शन हमको सदैव मिलता रहता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार ने हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी, हमारे साथी मंत्री सम्मान्य श्री जय प्रताप जी, सम्मान्य श्री संदीप सिंह जी, मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, श्री रजनीश दुबे जी, श्री अमित मोहन जी तथा सभी अधिकारीगण तथा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हमारे प्रयागराज के प्रधानाचार्य, हमारे सामने सम्मान्य श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, सम्मान्य रीता बहुला जोशी जी भी हैं, मैं उनका भी आज की इस सभा में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा कि अभी आपको बताया गया कि काफी दिनों की प्रतीक्षा के बाद ये उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है, खासतौर से स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सा प्रयागराज में 220 शय्यायुक्त कोविड अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है, साथ ही साथ एक कोवास मशीन का भी यहां पर आज उद्घाटन होगा। हम आज के इस अवसर पर सभी लोगों को बधाई देते हैं और विशेष रूप से प्रयागराज के लोगों को और आसपास के लोगों को, जहां के लोग विशेष रूप से इससे लाभान्वित होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार के सहयोग से हमने कोरोना के बचाव के लिए भी और इलाज में भी अथक परिश्रम करके पूरी कोशिश इस बात की है कि इसमें पॉजिटिविटी रेट को भी कम किया जाए, कोरोना के फैलाव को रोका जाए और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर हम इलाज की भी पर्याप्त सुविधा दे सके। इन दोनों क्षेत्रों में पूरी तरीके से पूरे मनोयोग से कार्य किया गया है और इसके लिए विशेष रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और माननीय केंद्रीय मंत्री को भी इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करके हमको सहयोग प्रदान किया। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रारंभ हुआ था उस दिन टेस्टिंग मात्र 72 थी और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि ICMR के सहयोग से ये टेस्टिंग प्रतिदिन 1,60,000 पहुंच गई, जिसमें RT-PCR के माध्यम से, ट्रूनेट मशीन के माध्यम से तथा एंटीजन टेस्ट के माध्यम से हम सरकारी क्षेत्र 258 लैब के माध्यम से हम ये सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में 34 RT-PCR, 56 ट्रूनेट मशीन तथा 24 एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कुल 114 निजी लैब के माध्यम से हम ये टेस्टिंग की फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। कुल जहां पर प्रदेश में टेस्टिंग की फैसिलिटी बहुत कम थी, आज 372 लैब के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में ये टेस्टिंग उपलब्ध करा रहे हैं और आगे भी इसके लिए 3 BSL-3 लैब जो निर्माणाधीन है, जो दिसंबर 2020 तक बनकर तैयार होंगी। जब ये कोरोना प्रारंभ हुआ था तब हमारी हिस्सेदारी जो राष्ट्रीय स्तर पर 6% की थी, आज 15% पर हमारी हिस्सेदारी पहुंच गई। आज हम चाहे ट्रूनेट मशीन हो, चाहे RT-PCR हो, चाहे एंटीजन के माध्यम से जो टेस्ट कर रहे हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है इस बात का कि हम पूरे देश में सर्वाधिक टेस्ट कर रहे हैं और अभी तक हमने 1,06,00,000 से ज़्यादा टेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में किए हैं। इसने कोरोना के फैलाव को रोकने में बहुत बड़ा योगदान किया है। जहाँ तक प्रयागराज का संबंध है, प्रयागराज में 11/4/2020 को मात्र 100 टेस्ट करने की कैपेसिटी थी, आज मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि हम 4,000 टेस्ट कल तक हमने किए हैं, 4,443 करीब टेस्ट किए हैं और आज कोवास मशीन लगने के बाद 3.5-4 घंटे में लगभग 1,500 टेस्ट इसमें और अधिक इजाफा इसमें हो जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक इस पर यह है कि हम
ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग भी करें और साथ साथ आवश्यकता करने पर उसमें इलाज भी करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खास तौर से कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की, जिससे मरीजों को आइडेंटिफाई भी किया कर सके और उसके माध्यम से कम समय में इलाज की सुविधा उन लोगों को उपलब्ध करा सके। और उसी का ये परिणाम है कि आज 3,66,000 लोग रिकवर होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अगर इतनी तन्मयता के साथ पूरे मनोयोग से इसमें कार्य न किया गया होता तो शायद उत्तर प्रदेश भी इसके फैलाव को रोकने में इतना सफल नहीं हो पाता। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, जो मृत्यु हुई, जो पॉजिटिव रेट है अभी भी है हमारे सामने, वो भी अगर न होते तो अच्छा होता। लेकिन मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है कि दिनांक 17 सितंबर को हमारा 68,235 पॉजिटिव टेस्ट थे और आज घटकर लगभग 45,000 पॉजिटिव केसेस रह गए। कुल 23,000 लोग 17 तारीख से लेकर अब तक कम हुए। तो पूरे प्रदेश में ये अब इसका रेट डाउन हुआ है। ये सरकार की सक्रियता की वजह से और आप सब लोगों के सहयोग की वजह से ये संभव हो पाया है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि कई प्रांतों में इसकी रिकरेंस हुई है, जैसे केरल है, दिल्ली है, उनकी रिकरेंस हुई है। इसलिए हमको पूरी सावधानी के साथ आगे भी इस अभियान को जारी रखना है। हमें जितने कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं वो लोग भी और मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी पूरी शिद्दत के साथ इसमें उनका प्रयास ये होना चाहिए कि हम बचाव पक्ष को भी और इलाज पक्ष को भी और अधिक मजबूती प्रदान करें और उसमें पूरा सहयोग करें। हमने इसके लिए 29 जून 2020 को एक मेडिकल एथिक्स का शासनादेश भी जारी किया और उसके तहत हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा संवेदनशीलता से, ज़्यादा आत्मीयता से मरीजों से पेश आ सकें, उनके साथ व्यवहार कर सकें, क्योंकि डॉक्टर की वाणी, डॉक्टर का व्यवहार ही मरीज के लिए दवाई का काम करता है। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम ज़्यादा आत्मीयता के साथ मरीजों से पेश आएँ और जिनको इलाज की आवश्यकता है उनको बेहतर इलाज सुविधा दें। उत्तर प्रदेश सरकार का पूरी तरीके से यह प्रयास है कि इस कोरोना के फैलाव को रोकना है और हर हालत में इसको परास्त करना है। मुझे खुशी की खबर माननीय हर्षवर्धन जी से दी है कि हम 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की सुविधा देने जा रहे हैं बहुत जल्दी। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को विशेष रूप से बधाई देता हूँ और हमारी भी ये कोशिश होगी कि जितने भी जरूरतमंद हैं उन सबके तक ये टीका पहुँच जाए और इसके अधिक से अधिक हमारी कोशिश यही होगी इसके फैलाव को हम हर कीमत पर रोकें। और इसके लिए फिर से एक बार हम सभी लोगों को विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी और अपने सभी सहयोगी साथियों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अभी तक जो शिद्दत से काम किया और आगे भी इसी ढंग से भी भावना से कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हमारे बीच में जिन्होंने ज्वाइन किया है माननीय सिद्धार्थ नाथ सिंह जी को, माननीय गोपाल गुप्ता को और माननीय डॉक्टर जोशी जी को आपका स्वागत करता हूं और आप इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन जी माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार उपस्थित हैं, जो स्वयं पेशे से चिकित्सक हैं और जिनके मार्गदर्शन में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में COVID-19 का एक सफलतापूर्वक चुनौती का सामना राष्ट्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे स्वास्थ्य और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्री जयवीर सिंह जी, अन्य सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी अधिकारीगण और जैसा कि मैंने सुना कि अभी आदरणीय डॉक्टर जोशी जी भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और सभी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजेस के सीनियर टीचर्स, प्रिंसिपल्स, विशेषकर इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के और उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत
बधाई देता हूँ। आज का ये बहुत इम्पोर्टेंट अवसर है, दो महत्वपूर्ण कार्य आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए संपन्न होने के बाद समर्पित किए जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले अपने हाथ से लिस्ट बना रहा था तो मैंने देखा कि पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तर प्रदेश में वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में और वहाँ की इंस्टीट्यूशंस में, लखनऊ में, झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में, आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में, और वाराणसी में तो दो जगह पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, और इसी प्रकार से IMS वाराणसी और जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर भी 2 स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर या तो बनकर तैयार हो गए हैं, समर्पित हो गए हैं। झांसी में तो मुख्यमंत्री जी के साथ मैं स्वयं उपस्थित था, कानपुर में जब शिलान्यास हुआ तब भी मुख्यमंत्री जी के साथ था। मैं हृदय से बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एक करके सभी मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा और बहुत स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर्स की सुविधा इनको विकसित किया जा रहा है। यह अवसर वास्तव में अगर हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री जो हम सबके हृदयों में बसते हैं, हमेशा राज करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण नहीं करेंगे तो शायद इस अवसर की सही मायने में प्रासंगिकता नहीं होगी। 15 अगस्त 2003 को जब लाल किले की प्राचीर से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना भाषण दिया था, देश को संबोधन किया था, तो उस समय उन्होंने इस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत देश भर में आने वाले वर्षों में एक तरफ तो इस तरह के 75 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स मेडिकल कॉलेजेस में बनाने का कंपोनेंट था और दूसरी तरफ एक दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बाद देश में 6 और नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाने का प्रकल्प था। आज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई उस घोषणा के बाद जो वर्षों तक जो तैयारियां हुई, लेकिन उन तैयारियों को वास्तव में अगर किसी सरकार ने प्रैक्टिकली सड़क के ऊपर, ज़मीन के ऊपर लाकर उनको क्रियान्वित किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। अटल जी ने 1 से 6 और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऐड करने की योजना की शुरुआत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सरकार में आने के बाद ये कहा कि हम हर प्रांत को एक नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देने की कोशिश करेंगे और आज देश में 22 स्थानों पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अलग अलग योजना, अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेज में है और उत्तर प्रदेश के लोग विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2 देश के ऐसे प्रांत हैं जिनको एक एक नहीं 2-2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिले हैं। उत्तर प्रदेश को रायबरेली और गोरखपुर दोनों स्थानों पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मिले हैं जहां क्लासेस शुरू हो गई हैं और एक स्थान पर दिसंबर में और दूसरे स्थान पर अगले वर्ष जुलाई तक जो है सारा काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 सालों में देश में 157 मेडिकल कॉलेजेस नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट करके विकसित किए जा रहे हैं और इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को, मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, इनको सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इसमें एक जो उसका अंतिम फेज़ है, जिसको फेज़ थ्री हम बोलते हैं, ये तो पिछले साल ही जब 2019 में दोबारा से मोदी जी की सरकार आई उसके बाद कैबिनेट ने निर्णय लिया, और कैबिनेट के निर्णय लेने के बाद सारे देश के अंदर सभी सरकारों को कहा गया कि ये चैलेंज मोड के अंदर है, आप अगर जल्दी से हमारे को प्रपोजल्स बनाकर भेजेंगे, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स की सहायता करेंगे। और इसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए बधाई की पात्र है कि शायद शुरुआती दौर के अंदर जिन सरकारों ने बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जबकि पहले फेज़ और पहले सेकंड फेज़ के अंदर 13 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश के अंदर सैंक्शन हुए थे, लेकिन इस तीसरे फेज़ में पिछले एक साल में ही अकेले 14 स्थानों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस को अपने लिए सैंक्शन करा लिया। बिजनौर के अंदर, कुशीनगर में, सुल्तानपुर में, गोंडा में, ललितपुर में, लखीमपुर खेरी में, चंदौली में, बुलंदशहर में, सोनभद्र में, पीलीभीत में, औरैया में, कानपुर देहात में, कौशाम्बी में, और अंतिम कॉलेज अमेठी के अंदर सैंक्शन हुआ। और इससे पहले भी जो मेडिकल कॉलेजेस बस्ती, फैज़ाबाद, फिरोज़ाबाद, शाहजहानपुर, बहराइच, ये सारे के सारे जो पहले फेज़ में सैंक्शन हुए, इनको 2019-20 के अंदर इनको प्रारंभ कर दिया गया। इसी तरह से फेज़ टू में एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर में ये 8 मेडिकल कॉलेजेस, और इनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, जो फेज़ टू में भारत सरकार के सहयोग से जो है सैंक्शन हुए पिछले सालों में। और ये भी जो है अभी उम्मीद है कि अगले वर्ष के प्रारंभ के अंदर ये पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे। अपने आप में ये भारत सरकार तो योजना बनाती है, भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कहती है कि आप इस योजना का लाभ उठाइए, लेकिन जो सरकारें एक्टिव रहती हैं, जनता के हितों के प्रति जागरूक रहती हैं, वो योजनाएं भी समय पर बनाती हैं, वो अपने प्रस्ताव भी समय पर भेजती हैं। और इसलिए मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले अगर 6 साल में हम देखें, इन सारों को जोड़ें, तो ये 27 मेडिकल कॉलेजेस नए जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रकार से स्थापित होने की विभिन्न प्रक्रियाओं में हैं, बहुत सारे शुरू हो गए हैं। और इसी तरह से ये 11 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स और ट्रॉमा सेंटर्स और 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इतनी चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर केवल पिछले 5-6 साल के अंदर ही जो है ये स्थापित हुई हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को विशेष रूप से इसके लिए बधाई देता हूँ। अभी सुरेश खन्ना जी ने विस्तार से जो आज दूसरी योजना प्रारंभ हो रही है, जो नई कोबास 6800 मशीन जो है यहाँ इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में स्थापित हुई है, उसके साथ एक मॉडर्न लैब जो है स्थापित हुई है, इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और अपने ICMR के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। अभी सुरेश जी ने कहा कि एक दिन ऐसा था जब हम 72 टेस्ट कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश की सरकार एक दिन के अंदर आज 1,60,000 रोज़ के टेस्ट करने की उसने योग्यता और क्षमता प्राप्त की है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत ने इस क्षेत्र में असाधारण और अभूतपूर्व प्रगति की है। ये टेस्ट कुछ साल पहले तक देश से बाहर इसका सैंपल CDC अटलांटा में अमेरिका के अंदर भेजा जाता था, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 6-7 साल पुरानी बात है। और आज जब हमने कोविड के खिलाफ जंग शुरू की एक लेबॉरेटरी से, तो आज सारे देश ने, सब ने मिलकर प्रयास किया, तो आज हम 1872 ऐसी लेबॉरेटरीज देश में स्थापित कर चुके हैं जहाँ पर हम जो है ये कोविड का टेस्ट कर सकते हैं। और ये कोबास की मशीन तो विशेष ऐसी मशीन है जिस मशीन के अंदर एक साथ जो है बड़ी संख्या के अंदर RT-PCR टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सभी संबंधित लोग बधाई के पात्र हैं।
ICMR ने बहुत विषम परिस्थितियों के अंदर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को मदद करके जो टेस्ट के शुरुआत करने के लिए सारी मशीनों के साथ साथ और जितने भी किट्स और दूसरी चीज़ों को उस समय पर उपलब्ध कराने के लिए बहुत व्यापक प्रयास किए, जिस समय देश के अंदर लॉकडाउन था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजना भी कितना कठिन था। और आज उस परिस्थिति से 97% देश का हिस्सा ऐसा है जहाँ 3 घंटे की ट्रैवलिंग के अंदर एक ऐसी लेबॉरेटरी मिल जाती है जहाँ कि हम RT-PCR का और दूसरा टेस्ट कर सकते हैं। और इसी सब का परिणाम है कि बड़ी संख्या में हमने टेस्ट किए, बड़ी संख्या में लोगों को जल्दी डायग्नोस किया, उनको जल्दी ट्रेस किया, ट्रैक किया, ट्रीट किया और सब प्रकार की व्यवस्था करने के कारण आज दुनिया में सबसे कम फैटेलिटी रेट भारत का है 1.55 और सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट 84.34 ये भारत का है। ये सब कुछ आप सबके प्रयासों से हुआ है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन उस सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सभी मेरे स्वास्थ्य मंत्रालय के साथियों के सहयोग से सभी ने मिलकर बहुत अच्छे प्रयास किए, जिनका समय समय पर प्रधानमंत्री जी ने भी विश्लेषण किया है। और उसी का परिणाम ये है कि आज हमारे देश के अंदर हम जानते हैं कि 55 लाख और 86,000 मरीज़ हमारे ये ठीक होकर घर जा चुके हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा हम देश के अंदर टेस्ट कर चुके हैं। और इस समय केवल एक ही बात जिसको मैं दोहराना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी भी दोहराते हैं, सब लोग दोहराते हैं और मुझे खुशी है कि वहाँ सब लोग मास्क पहनकर बैठे हैं, ये एक कमरे में है तो भी मास्क पहनकर बैठे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इस समय सिर्फ देश में लोगों को एक ही बात के लिए आग्रह करना कि अभी हम कोरोना को लाइटली ना लें। और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस उसमें इस्तेमाल नहीं करनी है, उसके लिए केवल हमको मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल, जिस प्रकार से मास्क को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगा रखा है, मैंने लगा रखा है, मुंह को और नाक को हमेशा ढक कर रखना है, अपने हाथों को हमेशा साबुन से पानी से धोते रहना है और 1-2 गज की दूरी बनानी है, बिना ज़रूरत के बाहर नहीं जाना, भीड़ भाड़ के अंदर नहीं शामिल होना, ऐसी गैदरिंग्स को अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और विशेष रूप से आने वाले समय में हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इसमें विशेष ध्यान रखना है। इन बातों को सब प्रकार से सबकी ओर से जरा आग्रह पूर्वक अगर कहा जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग में निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे। और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी जिस तरह से उसने बेहतर ढंग से अभी तक कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करके दिखाया है, आने वाले समय में भी वो सिद्ध करेगा। जैसा कि कल मैंने अपने संडे संवाद में देश के साथ शेयर किया था कि हमारा प्रयास है कि जुलाई के महीने तक देश के 20-25 करोड़ लोग जिनको प्राथमिकता के ऊपर वैक्सीन देने की आवश्यकता है, तब तक 400-500 मिलियन डोजेस उनको जो है उपलब्ध करा के उनको दिया जाए। उसके लिए स्टेट्स से भी रिक्वेस्ट की जा रही है औपचारिक तौर पर, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाकर लिस्टिंग इत्यादि, और आपसे बहुत सारी जानकारियां मांगी जा रही हैं। हमारा प्रयास है, हमारी आपसे अपील है कि उसको अक्टूबर के महीने में उस काम को जो है कंप्लीट किया जाए। हमारी जो हमारे वैक्सीन्स के संदर्भ में जो कोल्ड चेन की फैसिलिटीज़ हैं उनको सब स्थानों पर अभी से रिव्यू किया जाए, क्योंकि जब वैक्सीन हाथ में आ जाएगी उस समय अगर ये काम हम करना शुरू करेंगे तो शायद उसकी उस समय उपयोगिता नहीं होगी। समय से पहले हर चीज़ की तैयारी जिस प्रकार से कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर हमने की है, उसी प्रकार से कोरोना के संकट से लोगों को उनकी प्राण रक्षा के लिए जब वैक्सीन उपलब्ध होगी और वैक्सीन देने का समय होगा तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस काम में
बहुत योग्यता से आने वाले समय में भी काम करेगी। बहुत सारे मंत्री लोग जो यहाँ हैं, मुझे सबकी जानकारी नहीं, सभी अधिकारियों की, शायद सबका मैंने नाम नहीं लिया होगा, उन सब से मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे बताया रीता जी और अपने सिद्धार्थनाथ सिंह और भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उन सब से क्षमा मांगते हुए आप सबको ये फिर से अपील करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाकी सारे काम करते रहिए, लेकिन जहाँ भी जाएं वहाँ कोरोना के खिलाफ जो जंग के लिए जनता को शिक्षित करना है, जनता को इन्वॉल्व करना है, सामाजिक आंदोलन विकसित करना है, इस काम के अंदर हम किसी भी प्रकार से कोई भी कोताही ना बरतें और पूरे कमिटमेंट के साथ इस काम को करें। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई योगी आदित्यनाथ जी को देता हूं और उनके सभी साथियों को देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, हेल्थ डिपार्टमेंट के अपने साथियों को भी सब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया इतनी विषम परिस्थितियों में, और ये अच्छा सोचा आपने कि इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कम से कम फ़िलहाल हम कोविड से लोगों की प्राण रक्षा के लिए अगर इस्तेमाल करें तो ये भी एक अच्छा निर्णय है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। नेहरू चिकित्सालय प्रयागराज में 220 सहायक कोविड हॉस्पिटल मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में कोवास लैब के लोकार्पण कार्यक्रम मैं हम सब के साथ अभी बच्चों संवाद बनाए भारत सरकार के लोकप्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, चिकित्सा शिक्षा वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रयागराज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री नंदगोपाल नंदी जी, मान्य सांसद प्रोफेसर हिता भगवान जोशी जी, श्रीमती केसरी टीवी जी, डीजी आईसीएमआर, प्रदेश के मुख्य सचिव शारके तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, कुलपति केजीएमयू जनरल विपिन पुरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज और श्री मेडिकल कॉलेजेस के प्रधानाचार्यगण, अन्य फैकल्टी मेंबर्स, मैं भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आईसीएमआर का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत न केवल हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए समय से धनराशि उपलब्ध कराई, अभी तो मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए अपना योगदान दिए हैं, और उसी श्रृंखला में आज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन, जिसे हमने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में स्थापित किया है, उसका उद्घाटन आज यहां संपन्न हो रहा है। साथ ही प्रदेश की पहली कोवास लैब का भी उद्घाटन आज यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाली इस लैब का उद्घाटन आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए
प्रयागराज वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, अपने सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने इस देश को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लोगों को एक रचनात्मक सोच दी और उस रचनात्मक सोच के अनुरूप उसे जमीनी धरातल तक ऊपर उतारने के लिए उस प्रकार की ऊर्जा से उत्प्रोत भी किया। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा का क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है, इसी का परिणाम है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के दौरान 2 AIIMS, 6 सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल ब्लॉक्स की स्थापना और 29 नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना, एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। यानी 6 वर्ष में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने यह पाया है। 1947 से लेकर के 2016-17 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बने थे, लेकिन आज हमने इसको काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है और वैश्विक हमारी COVID-19 के दौरान इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समय समय पर मेरे मार्गदर्शन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा समय समय पर दिए गए सुझाव और उनके सहयोग से आज उत्तर प्रदेश अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में महसूस करता है। विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में हमारे जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जहां बन के तैयार हो चुके थे, वहां पहले ही हमने कोविड हॉस्पिटल के रूप में इसका उपयोग करना प्रारंभ किया और आज प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में इस ब्लॉक के उद्घाटन के साथ ही इसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में बदलने की कार्रवाई को पूरा करते हुए आज इसे लोकार्पित करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वास्तव में कार्य करने की इच्छा शक्ति सदैव परिणाम की ओर लेके जाती है और इच्छा शक्ति केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने पिछले 3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश में करके दिखाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जैसे कि हमारे चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बताया कि हमारे पास एक्टिव केस आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में पिछले 17 दिन में 22,000 से कम हुए हैं, अत्यधिक कम हुए हैं और जो ट्रेंड चला है वो इस बात को साबित करता है कि अगर हमने टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा करके फोकस टेस्टिंग के माध्यम से इस प्रक्रिया को इसी रूप में हम आगे बढ़ाते रहे तो आने वाले 1 महीने के अंदर मुझे लगता है कि ट्रेंड बना रहा तो आने वाले 1 महीने के अंदर हम लोग COVID-19 को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन हम लोगों के लिए जो उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनाई गई कार्य योजना, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा समय समय पर दिए गए सुझाव और सहयोग से ही संभव हो पा रहा है। 25 मार्च से प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और मुझे लगता है इसके बाद से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मार्गदर्शन समय समय पर दिया जाना
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आईसीएमआर से भी समय समय पर जो संवाद और जो उनके द्वारा उनसे जो भी सहयोग मांगा जाता रहा उस सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहा, जिससे इतनी बड़ी आबादी के राज्य में कहीं भी हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभ होते समय हर एक व्यक्ति की निगाहें उत्तर प्रदेश के अंदर थी कि 24 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश कैसे नियंत्रित होगा, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इस बीमारी इस महामारी को रोकने में सफलता हमें प्राप्त होगी। सबकी ढेर सारी आशंकाएं थी। हमारे पास प्रारंभ में टेस्ट की क्षमता नहीं थी, हमारे पास बेड्स मौजूद नहीं थे, 36 जनपद ऐसे थे जहां पे हमारे पास एक भी वेंटिलेटर नहीं मौजूद था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पास प्रदेश के अंदर लगभग 2.25 लाख कोविड बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रतिदिन 1.5 लाख से लेकर के 2.25 लाख तक के टेस्ट हम लोग प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास प्रत्येक जनपद में लेवल 1 लेवल 2 के हॉस्पिटल मौजूद हैं और हर एक जनपद में हमने आईसीयू बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। हमारे पास दवा की कमी नहीं है, पीपी किट N95 मास्क की कमी नहीं है, सैनिटाइजर की कमी नहीं है और हर एक कार्य को पूरी व्यवस्थित तरीके से प्रदेश की हमारी टीम, जनपद की हमारी टीम, कोरोना वॉरियर्स पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मदन मोहन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज किस कोवास लैब की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। यद्यपि अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 3 कोवास लैब प्रदान की थी, लेकिन राज्य सरकार के किसी मेडिकल कॉलेज में यह पहली लैब हमें यहां प्राप्त हो रही है। RT-PCR से जो हम लोगों ने अब तक टेस्टिंग की क्षमता विकसित की है, जिसमें हम लोग लगभग 60,000 टेस्ट प्रतिदिन के आसपास पहुंचे हैं, बाकी शेष टेस्ट हमारे यहां अभी तक एंटीजन रैपिड टेस्ट हो रहे हैं या ट्रूनेट मशीन से टेस्ट हम यहां से संपन्न कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि कोवास लैब प्रयागराज में स्थापित होने के बाद टेस्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के साथ ही RT-PCR से होने वाले टेस्ट की क्षमता को हम लोगों को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। आज के अवसर पर जहां केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग और अपना सुझाव देते रहे हैं। उनके साथ ही साथ मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी इस बात के लिए कि टेस्टिंग का जो पार्ट था प्रदेश में वह ज्यादातर हम लोगों ने मेडिकल एजुकेशन को ही दिया था और कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम क्षमता को इतना विस्तार कर पाएंगे कि आज के दिन पे 1.6 करोड़ से अधिक टेस्ट हमारे यहाँ संपन्न हो चुके हैं और कोवास लैब प्रयागराज में प्राप्त होने के बाद ये क्षमता और भी वृद्धि होगी। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपना योगदान देगा। जो ये खबर लगातार बहुत सकारात्मक खबर है कि हम वैक्सीन बहुत शीघ्र लेकर के आने वाले हैं, इसका ट्रायल तभी प्रारंभ हो गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए जो भी
आपने एक अपेक्षा रखी है। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए जो कोल्ड चेन स्थापित करना है, ये हमारे यहाँ पहले से मौजूद है, हमारे पास उस प्रकार की सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर वर्ष इंसेफ्लाइटिस के नियंत्रण करने के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित करते हैं, कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद में, कभी 38 जनपदों में, कभी पूरे प्रदेश को ही हम इसके दायरे में लेते हैं। कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए जो कार्रवाई हम लोगों ने तब से प्रारंभ की है, वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोगों ने उसको और भी स्ट्रेंथन किया है। मुझे याद है जब मैं पहली बार डॉक्टर हर्षवर्धन जी 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने थे, तो उनकी पहली बैठक मेरे साथ ही हुई थी, तब मैं गोरखपुर से सांसद था, और पहली बैठक में मस्तिष्क ज्वर के बारे में चर्चा हुई थी। मैं आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2014 में गोरखपुर के ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस से लगभग 725 मौतें हुई थी और 3,900 से अधिक इंसेफ्लाइटिस के मरीज सामने आए थे। इस वर्ष मरीजों की संख्या घटकर के 700 भी है और मौत के आंकड़े भी लगभग 21-22 तक आए हैं, यानी इतना नियंत्रण हुआ है और वर्ष दर वर्ष ये संख्या घटती गई। हमने यहाँ पे अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ ही बेहतर सर्विलांस और इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से लोकल स्तर पर ही PSC CSC स्तर पर ही जो सुविधाएं देनी प्रारंभ की। और जब आप पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, खासतौर पर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में, हर जनपद में CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्तर पर मिनी पीडियाट्रिक्स के ICU की स्थापना की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई थी वो सफलतापूर्वक संचालित करने, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग के कार्यक्रम, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के भी ट्रेनिंग के जो कार्यक्रम हम संपन्न किए थे, उसका परिणाम रहा कि हम आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं, और यही सिलसिला चलता रहा तो अगले 1-2 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह इस क्षेत्र से समाप्त होगी। और मेरा, हम लोगों का यह अनुभव COVID-19 को नियंत्रित करने में भी काफी कारगर साबित हुआ है। अंतर विभागीय समन्वय के कार्यक्रम और ये निरंतर सिलसिला हमारा आज भी निरंतर चल रहा है। एक बार फिर से आज जब हम लोग प्रयागराज में 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्रयागराज को उपलब्ध करा रहे हैं, प्रयागराज हमारे लिए आस्था की भूमि भी है और साथ वह उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का एक शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र होने के नाते देश की स्वाधीनता के अभियान में भी प्रयागराज का बड़ा महत्व रहा है। प्रयागराज को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के रूप में 220 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल दिया जा रहा है, जिसमें 140 बेड ICU के होंगे, से 80 बेड वहां पर आइसोलेशन के होंगे। ICU के 140 बेड्स में वेंटिलेटर और HFNC की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ट्रेंड स्टाफ वहां पर मौजूद है, उपलब्ध कराया जा रहा है, बाकी आइसोलेशन बेड में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निश्चित ही प्रयागराज के साथ साथ प्रतापगढ़, गोसाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट, बांदा, आसपास के क्षेत्र के काफी बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा। मैं एक बार फिर से माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को निरंतर सहयोग देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, ICMR से जुड़े हुए अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी इस पूरी टीम को एक समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उन संस्थाओं को जिन्होंने हमें CSR से भी योगदान दिया है, उन सभी संस्थाओं को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रयागराज और उसके आसपास के सभी जनप्रतिनिधियों और वहां के जनता जनार्दन को भी मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अत्यंत सुंदर और प्रेरक वाक्य।
धन्यवाद। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का भी बहुत बहुत साधुवाद। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी की अनुमति से, माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति और आशीर्वाद से चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से सभी को अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और इस कार्यक्रम का प्रकाशन। कोरोना की बीमारी ने सारे दुनिया को प्रभावित किया है, सारे दुनिया उस जंग में सहयोग कर रही है, लड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है मास्क, और मास्क का भी ठीक प्रकार से इस्तेमाल। हर भारतवासी से मैं अनुरोध करता हूँ कि कम से कम घर से बाहर निकलते समय तो आप हर हालत में हर समय पर मास्क पहन कर रखें, और मास्क को पहनते समय अपने नाक को और मुंह को अच्छी तरीके से ढक कर रखें। बातचीत करते समय भी मास्क को ना हटाएं, और ये सुनिश्चित करें कि मास्क के साथ 2 गज की दूरी और हाथों की सफाई, अगर हमने ये सब किया तो निश्चित रूप से हम अपनी भी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे और दूसरे व्यक्ति को भी अपने से बीमारी देने की जो संभावना है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर पाएंगे। बहुत बढ़िया।